यूपी के योगीराज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर पहले बुलंदशहर के डिपाई में मुठभेड़ के दौरान लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पैर में गोली मार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, बाइक, कई कारतूस बरामद किए हैं। घायल इनामी बदमाश को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है ये 50,000 रुपए का इनामी बदमाश, जो आज अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने छतारी से डिबाई की तरफ जा रहा था कि डिबाई पुलिस को उसकी भनक लग गई। पुलिस ने घेराबंदी शुरू की तो पुलिस को देख इनामी बदमाश विनोद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक गोली इनामी बदमाश विनोद के पैर में लगी और पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक पिस्टल, कोई खोखा वे जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आज जो है हमको लोगों को सूचना मिली थी, एक वांछित हमारे यहाँ 2014 से चल रहा था और 50,000 का इनामी था और ये छतारी साइड से आ रहा था। ये जो बांधवा गांव पड़ता है, इस गांव में उसका आना जाना था। पहले भी इसने कई वारदातें की थी और अभी भी वारदात की फिराक में थे, ऐसी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी। इसलिए हमने यहाँ चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान वो बाइक से आया, बाइक उसने देखा पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई, फिसल गया। फिसलने में अपने बचाव में जो है उसने 2 राउंड फायर किया। पुलिस कोई हताहत नहीं हुआ पुलिस का, लेकिन पुलिस के किनारे से गोली निकल गई। पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में उस पर फायर किया जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वो उसको तुरंत अस्पताल भेज दिया गया।